यू you know, हमारे अंदर एक तूफान है हमारे अंदर एक कितना सारा है दैट कैन इंस्पायर यू रहमान साहब के साथ परफॉर्म करना भाई सोच लो नॉट एक गाना उनके साथ ट्रैवल करना उनके साथ परफॉर्म करना आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री वॉस 391.1 पर फ्रीडम का आज पर मुझे लगता है कि अब हम लोग ना विटरेन टाइप हो गए हैं क्योंकि कुछ सालों से कुछ आर्टिस्ट आ रहे होते हैं एंड दे की एडिंग न्यू थिंग्स टू देयर किटी बॉस आई थिंक ऑन द फर्स्ट टाइम्स आई मेट हिम ही प्लेइंग द गिटार सो वंडरफुली वेल

की क्षमता है कुछ yes. लिखने की क्षमता है दे आर डूइंग वे बेटर देन एवरीबॉडी एल्स बिकॉज़ एंड वो एसेंशियली यू शुड बी अ राइटर आई इन एसेंशियली आई मीन इट्स यू शुड बी अ जैक ऑफ ऑल हां यार बट ऐसे एक्चुअली कितने लोग कर सकते हैं मुझे लगता है कि फिर वो वही बात होगी ना आप क्रिकेट प्रॉपर्ली खेल नहीं पा रहे हैं लेकिन बास्केटबॉल और टेनिस भी खेलना शुरू कर दिया है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्या बाद में मतलब मैं लोग बोलते ना बहुत सालों तक तो लोग बोल रहे थे कि प्रॉपर म्यूजिक नहीं आ रहा है आज भी हम आरती बर्मन साहब के पास क्यों जा रहे हैं ये तो ये तो फिर और हम लोग दलदल में फंसे जा रहे हैं नहीं मैं आई डोंट एग्री विद यू वन टू मेनी अन अ कपल ऑफ थिंग्स एक चीज है कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको सब सीखने की जरूरत है मत सीखिए नो प्रॉब्लम पर कोलैबोरेशन भी करने हाँ। का फिर

समान मिल हेल्प यू डू इट मैं yes. नहीं कह रहा हूँ कि आपको ही पियानो बजाना है huh. पर आपको अगर पता है आपको क्या चाहिए uh. तो पियानिस्ट आपके तरह बजाएगा जैसे रहमानसर करते हैं इस वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ़ दिस ही इस वन ऑफ द बेस्ट परक्वशनिस एवर बिकॉज़ इस सॉंग्स हैव सच ब्यूटीफु इसलिए वो ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो इतने ब्रिलियंट है और वो जो उनको समझ और तुम उनमें से एक हो इज डन सो मच टोरिंग विद रेमान सर मस्ट इट इट लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ आई एस आई मार्क योर हेड

बट ही इज सिंग फॉस टूडेडियो जेंटलमैन दैट पास दिगेस्ट इन हमारी इंडस्ट्री रहा सोच लो नॉट एक गाना उनके साथ आई थिंक इट्स बिगेस्ट अचीवमेंट इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री वॉज विदय थैंक्स अगैन फॉर ज्वाइनिंग मी मुझे याद है नीति को मैं बहुत सालों से जानता था जब वो एज अ म्यूजिशियन थी आसमा का हिस्सा थी फॉर इस परफॉर्म विद रेमान साहब यू नो मैं देखता था और फिर चलिए गाना आया एंड जब तक जान में यू नो एंड इट जस्ट टूकॉर्स बट मैंने रियलाइज किया है कि ईगो बहुत कम होता है सिंगर्स में मोर देन एक्टर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दस मैं सारे सिंगर्स की बात कर रहा हूँ वो बहुत सौभाग्य समझते हैं अपना कि अगर वो बड़े आर्टिस्ट के साथ सिंग कर पाते हैं

तो वो एक गोल था मेरा इनिशियली एंड मुझे नहीं पता था कि अच्छा फिल्मों में गाने होते हैं फिल्मों में गाने म्यूज़िक डायरेक्टर बनाता है सिंगर को बस जाके गाना पड़ता है आई डेंट नो ऑल ऑफ दिस हाउ इट वर्क तो जब मैं डिसाइड किया मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूजिशियन बनना है या सिंगर बनना है तो मैं के एम म्यूज़िक चले के एम कॉलेज चले गया और वहाँ पे सर ने यू you नो know,

तो मैं पहुंच गया तो मैं ना दिन में जाता था अच्छा और रात रात को को स्टूडियो क्योंकि वो ही काम करते हैं वो तो अच्छा <laughs> <laughs> <गया। laughs> तो रात को काम करते एक्चुअली वो मैं दिन में सुबह सुबह जाता था अपना था शाम को जाके बैठ जाता था वहां पर

वो wow. ही नहीं करता इफ सीज द स्पॉट व्हाट डू यू मेक अ मिस्टेक मतलब देन देन क्या तुमने डिडंट मेक गलतियां करी है uh -huh. और पड़ी भी है अच्छा हां मतलब इन द सेंस ही गॉट अ टेंपर नॉट अ टेंपर बट ही गेट्स अपसेट एंड ही गेट्स एंग्री एंड इट्स फेयर बिकॉज़ ही इज रिएक्शन टू अ बट ऑफकोर्स इज वेरी वेरी काइंड इन अ वे वेयर

एक्चुअली वो पिक्चर हुई भी कैसे मुझे पता नहीं बिकॉज एक दिन सर का फोन आया मुझे एंड इमेजिन मैं अभी काम कर रहा हूँ काम भी नहीं कर रहा हूँ मैं इंटर्न कर रहा हूँ स्टूडियो में मैं बैठता हूँ सेशंस में पीछे अच्छा सर बोलते अच्छा लि uh, लिरिक्स लिख दो पेपर पे तो मैं पेपर पे लिरिक्स लेके आता हूँ ऐसा लाइक दैट्स माई जॉब ओके एंड लाइक He wanted to try this song, <laughs> and I'm like, yes, oh, uh, wow. of course. Correct. Um, and he's like, "Okay, come, um,

कोऑपरेटिव सपोर्टिव सपोर्टिव विद एंड दैट टर्न्ड इनटू लाइक इन अ माय प्रोजेक्ट बिकॉज़ मैंने हर गाने पे काम किया उसमें wow. मैंने खलीफा पे काम किया मैंने मालूम पे काम किया इतना yes. ही मालूम जो मैंने जूनीदा के साथ गाया मैंने uh, <clears throat> ये अपना टू शाइनिंग जो मैंने गाया उस पे काम किया अलहादा पे भी थोड़ा काम किया इन huh. द काम किया इन द सेंस आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोजेक्ट एंड देन सर इन अ

यू कैन लर्न द गिटार बट देन यू कॉन्ट नेसेसरली डिवेलप दैट टैलेंट फॉर इट गिटार तो हम सब ने सीखा था उसमें आप बेसिकली क्या है एक कॉर्ड प्रोग्रेशन में आप सारे गाने गा सकते हो इसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट टू टेक इट फॉरवर्ड एंड गिटार इज नॉट अ नेचुरल इंस्ट्रूमेंट फॉर हिंदी म्यूजिक इट्स अ लिल डिफिकल्ट एंड डिल डिफरेंट क्योंकि मैं खुद गिटार पर जाता हूं इज्ज नॉट सो ईजी बट दे वॉज ऑलवेज अ नेचुरल टैलेंट एंड इज टेकन टू द नेक्स्ट लेवल और अब एक गाना जो थोड़ी देर पहले सुना था

भूल रहे ऐसे वर्ड यूज word, नहीं कर रहे यू you नो know, ऐसी कला आगे आ नहीं रही है बहुत बहुत कम कम लोग करते हैं आई मीन ऐसा नहीं नहीं कि कोई नहीं करता बट हो रहा है ना एंड स्पेशली इन तो मैंने वहां पर हम जैम कर रहे थे came up with the idea of, uh, you know, हमारे अंदर ही एक तूफान है, हमारे uh -huh. अंदर है कितना सारा है दैट can inspire you, you know, um, and vice versa. जो बाहर है, that only inspires what is within you. So, like the company you keep. In a way, right. you know, it's very uh, uh, philosophical in a way. कि the company. इतनी यंग वर्म में इतना फिलॉसफी है ये इसके अंदर आ? You are an old soul in a young I body. Am, I am. I wish I was born in a different era. We all were yeah. मैं uh, 1980s में, 70s में. Correct. Beautiful time. I Actually, 80 me, पैदा हुआ हूँ मैं. 60s me, पैदा होता तो बेटर होता. Correct. I, I wish I was born in a different era. Spent my

खुद के ही अक्सों में जैसे मिलते हो ख्वाबों के ही चेहरे हैं मेरी पुकारों में गर्मिया

पर लॉट ऑफ अदर पीपल जैसे मुझे मोहित से बहुत सोल दैट जस्ट गिटार एंड वॉइस ब्यूटी इन एंड हाउ ही टेक्स समथिंग एंड इंटरप्रेट्स इट विथ इमोशन लाइक हिज इमोशन आर इनक्रेडिबल इन अग एंड आई मीन इंस्पायर्ड अ लॉट बाई

I need only this much. Yeah. Did you take it a higher level as far as your instrumentation was concerned? Or yeah, you said that I want to concentrate singing and writing. More no, I have been able to touch wood, grow in guitar as okay. well, and uh, in fact, bring a new skill completely, which is playing keys. Wow! And now I play keys for Amansha's band. By the way, I don't just sing. That's crazy. I man. play keys and I go up and sing a few songs, and I come back and then I'm back on the keys.

Uh, i mean i think um, we are all very uh, like my, especially my dad and me we are very um, idealistic people and we're very amarid <clears throat> <clears throat> passions or dreams both but though both i mean my parents are the proudest and i am very grateful to them also for everything because

क्योंकि मेरे को भी बीस पच्चीस साल हो गए रेडियो इंडस्ट्री के अंदर इट ऑलमोस्ट लाइक आई सीन एन एवोल्यूशन मैंने दो दशक देख लिए मेरे सामने ऑफ hmm. वॉचिंग yeah. uh, I mean, yeah. और आज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक हम पहुंच गए रेमानसर दर इज वाइबिंग टूगेदर दैट्स मोस्ट इनक्रेडिबल पार्ट ऑफ म्यूजिक क्यों कुछ से तू है जुदा बबरे बावरे क्यों दर बदर फिर रहा बाबरे हो गया कहीं जो तेरा है वो भी तेरा नहीं तू जान ले जानेगा A girl who the smile on his face. <laughs> Radio City, Radio City, Radio City, Radio City, Radio city. Radio city. Radio city. Radio city. Radio city.